हेलो दोस्त लोग पहुंच चुके हैं हम मकोट। ये मटर के सबसे पहले मटर दिख रहे हैं। हम मकोट पहुंच चुके हैं। देखो हम मकोट पहुंच चुके हैं। हम मकोट नमस्कार नमस्कार ठीक सा धूपबत्ती करते हुए मंदिर में। ये मेरे कौन सी देवता के मंदिर है? ये भैरव बाबा। भैरव बाबा, भैरव बाबा का मंदिर। देखो दोस्तों लोगों, एक कुछ नया चीज दिखा रही हूँ मैं आपको। जैसे कि ये देखो, ये कटहल का पेड़ है। एक कटहल का पेड़ है और इसमें कटहल लगे हुए हैं। ये देखो, इसमें कटहल लग चुके हैं। जब छोटे कटहल होते हैं तो इस प्रकार होते हैं। देखो एक कटहल का पेड़ है और जब छोटे में इसके पेड़ होते हैं तो कटहल इतने छोटे से लगते हैं और इतने छोटे से भी लगते हैं। देखो आज मैंने क्या देखा, बहुत, क्योंकि कटहल तो हमने रोज़ खाए लेकिन पेड़ आज दिख रहे हो मुझे। और बड़े खुशी की बात है कि मैंने आज कटहल का पेड़ देखा है और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा मौका। देखो कितना सुंदर कटहल का पेड़ है और इसमें बहुत सारे कटहल लगे हैं, जैसे कि फूल भी लगे हैं। और फूलों की देखो, फूलों के अंदर से कटहल आ रहे हैं। ये देखो, ये फूल है और फूल के अंदर से ही कटहल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। मेरे यूट्यूब द्वारा और मेरे चैनल द्वारा आप लोगों को पता चलेगा कि हम तो कहते थे कटहल टहनी से आती है लेकिन कटहल जड़ से आ रही हैं, क्योंकि जड़ों में कटहल लगे हैं, टहनी में नहीं लगे हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर लगे हैं। मैंने आज बहुत ऐसी चीज़ देखी कि अब मैंने आज तक एक कटहल का पेड़ नहीं देखा था, लेकिन मैं पेड़ हैं और कटहल लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ये देखो, ये देखिए, देखो एक कटहल लगे हुए हैं पेड़ पे और बहुत ही सुंदर कटहल लगे हैं और बहुत सारे लगे हैं, थोड़ा भी लगे हैं, बहुत सारे कटहल लगे हैं। और जैसे कि हमें ये पता नहीं था कि सब्जी तो हम रोज खाते थे, दुकान हमारी भी है, कटहल हम भी उतारते थे, लेकिन ऐसा नहीं देखा था कि कटहल ऐसे पेड़ में होते हैं। बहुत सुंदर पेड़ है और बहुत ही कटहल हो रखे हैं। बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा वृक्ष है, क्योंकि मैं भी पेड़ में चढ़ी हूँ अभी। थोड़ा छोटा सा पेड़ मैं भी चढ़ी हूँ और इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कटहल कैसे होते हैं, क्या होते हैं गांव में। आप सबको पता है कि गांव में कैसे होते हैं और इसीलिए मैं आपको कटहल दिखा रही हूँ कि इस प्रकार होते हैं। और मेरे यूट्यूब पे देखते रहना कि मैं हर चीज़ को आप लोगों को दिखाऊंगी, पहाड़ी चीज़ को, और कैसे मैं कटहल के पेड़ में चढ़ी हूँ और कैसे मैं कटहल दिखा रही हूँ। गाइज जब ये बड़े हो जाएंगे, हो सकता है तब भी मैं यहाँ आऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और मेरे साथ जुड़े रहना और मस्त रहना, स्वस्थ रहना। आ रही हूँ, आ रही हूँ। देखो पहाड़ में किस प्रकार से मेहमानों के चाय पी रहे हैं नीचे बैठ के। हमारी कैखी मन मैद बा जय हम मन निकम के हल का तुम में बुढे आम जाली यो तुम में बुढे आम जाओ मैं आम के गाड़ बगा है बुढे आम के तू ये ती रहा अब जा ना तू।
हेलो दोस्तों लोग, हम घर को जा रहे हैं मकोट से। और मकोट इन लोगों का मकोट है, मेरे मामे का मकोट है, लेकिन सबका मकोट है। मामे का मैका है, हमारा सबका मकोट है वाला। ये मेरी हमारी मामा की बहू है। तो अब मैं जा रही हूँ और ये लोग क्या कर रहे हैं देखो, मेरे को क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन मुझे ले लेके लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन पकड़ना पड़ रहा है। ये है मजबूरी हमारी, ये पहाड़ में होता है। और ये हमारे वहाँ तो रास्ते से साल देखो आते हैं जाते हैं, कभी हमारी तरफ देखते नहीं है। और लेकिन फिर भी मैं आके इसको ले भर दे इन लोगों ने। हम तो अपने दही सब धनिया पत्ती दीदी लगाओ। और कल हम वहीं गए थे मोहन है? मोहन गए थे कल। मोहन तो हम भी मलमोहन भाई। हम भी धन्यवाद। क्या देखा मैंने खेत में मटर कैसे हो रहे, देखो ये देखो मटर की खेती में बहुत सुंदर मटर हो रहे हैं इनमें। अरे आ जाओ यूट्यूबर। बहुत सुंदर मटर हो रहे हैं ये छोटा टा। काकी मन को मैं मैद बजे हैं यार। मैं तो है तो वरदान है ना, तब तो ये बतले इतने ही तो समझ में उन्होंने भगवान ने वरदान तो है। सही बात है, सही बात, भगवानों का वरदान। आज का अच्छा वो भी जालो ऐसा मिल रहा है। घर से निकलते हुए ये गाय बच्चे हैं इनकी। चल 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 चलो। मेरे YouTube चैनल को लीला देवी ब्लॉग करके उसमें सर्च करना और मुझे फॉलो कर देना, लाइक कर देना, ठीक है? जाते ही लीला देवी ब्लॉग देखना उसमें भी, मैं जाते ही देखना क्योंकि फिर भूल जाओगे, ब्लॉगर बहुत हैं। कितना सुंदर व्यू दिख रहा है इधर से, ये घास देखो ये कितना बड़े घास हुआ। हमारा हम अपन जगह थोड़ा सा लगा कितना बड़े शू लगा रखे हैं घास के देखो। मैंने साल देखो गोरे गोर निकाले सब सही हरी।
जाते समय रास्ते में आ रहे हैं, अब जहाँ पे मैंने बताया कि हमारी गाड़ी फंस गई थी, अब भगवान की कृपा से गाड़ी पीछे कर दी थी, वहाँ से हम पैदल गए थे, तो अब हम गाड़ी के पास पहुँचने वाले हैं और वो नीचे देघाट बाज़ार पहुँचने वाले हैं। सड़क हो गई, यहीं पे गाड़ी फंसी थी हमारी। सड़क का काम भी चल रखा है यहाँ पे। पहाड़ में कितनी दिक्कत होती है देखो। भैरव मंदिर देघाट पहुंच चुके हैं हम। दोस्त लोगों, आपको मैं पहाड़ी हर मंदिर के दर्शन करा रही हूं, लेकिन आप लोग मुझे देखे अनदेखे कर दे रहे हो। पता नहीं मंदिर की सस्ता आप लोग आस्था आप लोगों से कम होगी था शायद, और डिस्को मिस्को करते हो उसमें तो आप लोग जरूर देख लेते हो। रुको, अब तो मिल गया था। देखो गाड़ के किनारे किनारे हम जा रहे हैं अभी। फूल आता हूँ मैं तक थी हूँ फूल तो मैद में भल फूल रही हूँ। ओ दीदी तू कायम छे गाड़ा किनारे मुखोड़ो आमो आपको मुखोड़ो आमो ही आल कथा भैरव मंदिर माता मंदिर मुकुटा मंदिर भैरव मंदिर सब दर्शन करवे आप हम पार से जी मूर्ति स्थापना है नहीं कल से हम मंदिर ही जा रहे हैं। पहाड़ी लोग है देखो, ए चट्टान से कूद के आ रहे हैं देखो, ए देखो अभी पता नहीं चाहे उसका चट्टान पार कर पाते हैं नहीं लोगों को देखो। अबे शहरी लोगों को, हम पहाड़ी तो आ गए हैं। अरे यार देखो देखो। हेलो दोस्तों, देखो हम नदी में आ गए देघाट। ये देखो पानी बह रहा है, बहते हुए पानी। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो मैं जाओ कूदो फोटो खींचो। मानो तो मैं गंगा, ना ना छुआ जो ना मानो तो मैं बहता पानी हूँ। हेलो दोस्तों, देखो देघाट में पहली बार देखा शिव भगवान की मूर्ति देखी, क्योंकि आज तक नहीं देखा था। आज शिव भगवान की मूर्ति पहली बार देखा यहाँ आके हमने, शायद लग रहा है अभी अभी इसका वो हो रखा है शिव धाम। ये देखो क्या सुंदर नंदी बैठी है और महाराज शिव जी बैठे हैं। जय हो नंदी महाराज जी। तो यही तो मकम नंदी महाराज, इसकी अद्भुत लीला देखो इनकी। ना ना जान दे हम गोरा छुरल कर ना किने जान दे भगवती वासुदेवाय नहि किने जान दे पड़ते ये तो सब सब आनी जो घाटा ले ले। ये देखो भोलेनाथ की तस्वीर, ये देखो कितने ऊंची है और ये हम उनके चरणों में खड़े हैं भोलेनाथ के। और ये देघाट में अद्भुत तस्वीर बना रखी है भोलेनाथ की, और साथ में नंदी जी बैठे हैं। चढ़ाई है हमारी गाड़ी, हम गाड़ी पे पहुंच चुके हैं देघाट बाजार में। देघाट बाजार में ये दीदी को शर्म लगी हमारे देघाट बाजार में।
आल बंधन गाड़ी हेलो दोस्तों लोगों, आप हम कहाँ पहुँच गए आप लोगों को पता है, हम घूमते घूमते कल से हम घूम ही रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ये दो दिन दिल्ली से आए हैं तो घुमाने भी लगे हैं, घर बार सब छोड़ रखा है, भी घर और परिवार। और आप पहुँच गए हम अपने दौराने के मैके, ये मेरे दौराने के मैके हैं। ये है मेरे दौराने का मैका, ऊपर घर है। और हम आज कल से घूम के कल से घूम ही रहे हम। ये हम अपने दौराने के मैके, ये अपने मैके के लिए आगे आगे निकल गए हैं। देवर जी को पीछे छोड़ दिया, ये देखो उनको छोड़ दिया और अपने मैके के लिए आगे भाग के निकल गए हैं। और ये इनके घर जा रहे हैं हम, अपने चाची के काकी के घर। और या फूल मेरे ला छोरे, देखो ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो उनके घर सुंदर से फूल हो रहे हैं। ये देखो ये है रोड, ये है घर, इतना ही बीच में ये है रास्ता, बस सीधा घर पे ही इनकी गाड़ी जाती है। और ये है फूल, मेरी काकी कह रही है फूल वो भी खींच, क्योंकि इसमें ये पानी। ये है फूल, ये सुंदर फूल खिले हैं, ये है फुलवाड़ी। देखो चाचा जी जब घर आए तब खुश है, ससुराल वालों ने तुमको कुछ नहीं खिलाया था चाचा जी, अब मुस्कान आई तुम्हें अपने घर आके, थोड़ा सा तुम बदी जाएगा अच्छे काका जब आके तुम अपो घर। ये देखो हम अक्का अगला कितना सुंदर लगे मोटा का भवन, मेरा ठिकाना हो। आपका खेल ला फिर सॉल्व धरा है यहाँ उसी का दोहार है ताने लगा रहा कहीं अच्छी का हाँ फूल लगा है फोटो खींचा ले फूल ओ आ रहे हैं हमारे देवर जी। देखो यहाँ पे गाड़ी है इतने ही दूर से, ये देखो ये गाड़ी है और ये चल के आ रहे हैं यहाँ, ये इतना ही दूर है इनका बस। ओहो रामपुरी आज दशरथ में आ रहे हैं बोल दीदी का दोहार। ये है घर, पूरा घर उधर तक ये पुराना घर है इनका। अगर तुम एक टुकिन ला काट दे, टुकिन नहीं काटना है। ये पेड़ का नाम क्या है? अच्छा मतलब ऐसा नहीं इसका है चाचा, ये पेड़ का नाम हेलो बाबा ग्रोथ बढ़ती है इसका नाम क्या है? नहीं जानी चाहिए। अच्छा ये भी पर दोष भी होता है। हाँ हाँ अच्छा यार नाम क्या है डॉग? अरे इसको लाया था वहाँ से दिल्ली से भेजा है। नाम क्या होगा? नाम जो है मैं बताऊँ इसका नाम कहते हैं वो क्रिमिनियन कुछ है इसका पेड़ का नाम। और हम घर से जा रहे हैं। आनंद जामा सा उन्होंने दिखा जामा आपको कथा कथा क्या पाऊं चकिले कले आप मैं बता दूंगा। चलो फिर चलो गाइस चलो चलो गाइस घर को चले चलो गाइस आपका काका खोल छूंगा।
अरे ससुर जी के पैर छो, हम पापा जी के, हाँ ये सदा खुश रहो, और चलो ससुर जी के पैर छो एक बार और छो, तुम छो लो आप, हम तो हाय बाय करने वाले हैं। काकी बैठो भी, नमस्ते। और ये चले, अब हम चले, अब हमारा दशरथ पुरी से इसके टॉफी खा रहा हूँ ये। नहीं ऐसा नहीं मान, महक आने वालों की तो कुछ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं मान। ये चलो भाई चलो, बैग लेके आप तो बहुत देर हो गए खड़े हुए। बोलो बोलो, आप बोलो, प्रणाम करो। बाबू क्या कर रहा है? फोन आ गया हमारे, बाबू क्या लाना है? दिल्ली से फोन आ गया है, जैसे हम घर से जा रहे थे तो। दब्बू क्या लाना है? प्रणाम करो। दीबू को फूल दिखाई दे रहे हैं, दीबू को फूल दिखा रहे हैं। बोलो चलो, हम लग रखा है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया चलो चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। मकान है और यहाँ ये ऐसे ये देखो जी, ये पूरा अब यहाँ इस तरीके से हो गया है, ये सब छोड़ छाड़ के चले गए। और घर में देवर लगाने अभी पूजा कर रहे हैं, हमारे पितर कुड़ी में कुलंकारी ग्वालजी मंदिर में, क्योंकि हमारे ग्वालजी मंदिर है इष्ट देव का। और चूहे ने बड़े वो कर रखा है, नुकसान कर रखा है हमारे मंदिर का। परसों मैंने दिखाया आपको, जिस दिन पंचमी का पेड़ चढ़ाने आए थे उस दिन दिखाया था कि मैं लीप रही हूँ, और आज फिर उसने खोद दिया है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पे समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलती हूँ नई चीज़ों के साथ। जुड़े रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खुश रहना।